बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट बिजनेस। आपको ये गाइडलाइन दी जाएगी कि आपने फ्यूचर में बिजनेस स्टार्ट कैसे करना है। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको किन आइडियाज से गुजरना है, क्या सोचना है पहले कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी इंटरेस्टिंग को देखना है, मुझे नॉलेज किस चीज़ का है, मेरी इंटरेस्टिंग किस फील्ड में है और मेरे पास कैपिटल कितना है। हाउ मच आई कैन इन्वेस्ट इन बिजनेस, हाउ मच आई हैव फाइनेंशियल बैकबोन, मेरी फाइनेंशियल बैकबोन कितनी है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल कितना है। अगर इन चीज़ों को सामने नहीं रखेंगे तो आप इन्वेस्ट अपनी फील्ड से हट जाएंगे। तो इसका मतलब है सबसे पहले आपने नेचर ऑफ द बिजनेस को सोचना है। नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है कि मुझे ट्रेडिंग में जाना है या मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, मैंने चीज़ बनाकर बेचनी है या मैंने बनी बनाई चीज़ को बेचना है, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल कितना ज़्यादा है। सो इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको रिसर्च करनी है किसकी, अभी मार्केट रिसर्च नहीं करनी, अभी आपने अपनी पॉकेट रिसर्च करनी है कि मेरे पास कैपिटल कितना है इन्वेस्ट करने को। तो अगर आपके पास इतना कैपिटल है कि आप बनाकर चीज बेच सकते हैं तो मस्ट डू इट, और अगर आपके पास इतना ही कैपिटल है कि आपने सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं तो जरूर ट्रेडिंग में जाएं और उस कैपिटल से बिजनेस को स्टार्ट करें। तो इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है, पहला पॉइंट है रिसर्च योर ओन पॉकेट, देन You can research your market. फिर आप जिस फील्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उस फील्ड की मार्केट में जाएं। फिर आपको मार्केट रिसर्च करनी है, फिर आपको मार्केट से इंफॉर्मेशन लेनी है। उस मार्केट इंफॉर्मेशन में क्या होगा, ताकि आपको लॉस ना हो, आप रिस्क रिमूव कर सकें, आप रिस्क से बच सकें, आप लॉस से बच सकें। जितना नॉलेज ज़्यादा होगा उतना रिस्क कम होगा। जितना ज्यादा आप नॉलेज हासिल करके इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट जल्दी करना शुरू कर देंगे, अदरवाइज मार्केट से रिस्क इन्वॉल्व होता जाएगा और आप प्रॉफिट की बजाय लॉस की तरफ जाते जाएंगे। वो फैक्टर जिनको आपने सीखा ही नहीं था, वो फैक्टर जिनको आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया था, एक्सप्लोर ही नहीं किया था बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, तो वो आपको फेस करने पड़ेंगे। वो स्टार्ट करने से पहले ही आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी। उसके बाद आपको यह देखना है कि मुझे किस कारोबार में हकूमत फैसिलिटेट कर रही है, मैं किस कारोबार को करूंगा, किस बिजनेस में इन्वेस्ट करूं। तो बजाय इसके कि हकूमत की कुछ पाबंदियां हो, आपको वो देखना है कि हकूमत किस चीज में मुझे उल्टा मतलब इन्वेस्ट में करने में फैसिलिटेट कर रही है, मुझे सहूलत दे रही है, टैक्स में छूट दे रही है, मुझे और बहुत सारे कामों में वो सहूलतें प्रोवाइड कर रही। तो आपको ऐसे बिजनेस के बारे में सोचने हैं और उसके रूल एंड रेगुलेशन भी सोचने हैं। जो आपके माइंड में बिजनेस है उसके बारे में भी आपको सोचना है कि हुकूमत की पाबंदियां तो नहीं है ऐसे बिजनेस में, क्या कोई प्रॉब्लम इशू तो नहीं मुझे आ सकते, जब मैं इन्वेस्ट कर लूंगा तब तो मुझे मेरा कैपिटल जाया हो जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले ही आपको रिसर्च करना जरूरी है। हमारे यहाँ होता क्या है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद रिसर्च करते हैं, उसका फायदा नहीं है। आप बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले रिसर्च करेंगे तो आपका पैसा सेफ हो जाएगा। फिर आपने देखना है कि मैं बिजनेस को कितना बड़ा बना सकता हूँ, मेरे पास कैपिटल कितना है, मैं एक शहर के अंदर बिजनेस कर सकता हूँ या मुझे बड़े लेवल पर बिजनेस करना है। तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग ही उसका डिसाइड करेंगे कि मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने सोचना है कि मैंने इसको वन सिटी बिजनेस रखना है या मैंने इसको बड़े लेवल पे बिजनेस लेंगे। लेकिन जब भी आपने प्लानिंग करनी है उसको यही सोच के करनी है कि मैंने इसको पूरे मुल्क में लेके जाना है और फिर मैंने पूरे मुल्क के बाद मैंने बॉर्डर भी क्रॉस करना है, यानी मैंने एक्सपोर्ट भी करनी है, फिर मैंने बड़ी पूरे दुनिया में मल्टीनेशनल तक लेके जाना है। प्लान जब भी करना है उसको बड़े खुले दिल से ही करना है, लेकिन जब स्टार्ट करना है उसको इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग करना है, रिसर्च के अकॉर्डिंग करना है। फिर आपने अपने साथ जो टीम लानी है वो पढ़ी लिखी होनी चाहिए।
टीम ही गोल करती है, कोई कैप्टन कभी गोल नहीं कर सकता अकेला, सारी टीम मिलेगी तो गोल होगा। इसका मतलब है गोल कौन सा होगा, चाहे वो क्रिकेट का हो चाहे वो फुटबॉल का हो, यानी जीत आपकी टीम ही कर सकती है। उसकी रीजन कि आपकी टीम ने आपका साथ देना है तो कंपनी के गोल अचीव होने हैं, आपकी टीम ने आपका साथ देना है तो आपके बिजनेस के गोल्स अचीव होने हैं। आपने जो पहले साल रखना है कि हमने इतना प्रॉफिट कमाना है, हमने ये वाले रिस्क रिमूव करने हैं, तो अगर आपकी टीम आपका साथ नहीं देगी तो अकेला कैप्टन गोल कभी नहीं कर सकता। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स आपको अपने माइंड में रखना होंगे। उसके बाद लोकेशन बहुत जरूरी है, बिजनेस की लोकेशन इंतहाई मोहल्ले वकू बहुत जरूरी है। यू शुड कीप इन माइंड योर स्टार्टिंग पॉइंट। किसी गोरे से पूछा कि आपने सारी जिंदगी बिजनेस किया है, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसने तीन बार कहा लोकेशन लोकेशन लोकेशन, यानी मोहल्ले वकू, प्लेस प्लेस प्लेस, यानी मेन प्लेस मेन जगह पर बिजनेस स्टार्ट करना, जहां पर 20-50% वो कस्टमर आ जाते हैं जो सिर्फ बिजनेस का नाम पढ़ के आ जाते हैं। तो जगह इतनी इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, तो लोकेशन बहुत ईमानी रखती है किसी भी बिजनेस के स्टार्टिंग में। एट द एंड हमें हुकूमत की वो फैसिलिटेशंस भी देखनी है जब हम बिजनेस स्टार्ट करें। जैसे एजुकेशन का बिजनेस है, हर जगह अकेडमी कॉलेज क्यों है, रीजन क्या है, टैक्स कम है, क्योंकि उससे फायदा क्या हो रहा है, उससे गवर्नमेंट कहती है इससे फायदा हमारे बच्चों को हो रहा है, हमारी नस्ल को हो रहा है, तो जितने ज्यादा स्कूल कॉलेज होंगे उतना ही हमारी जनरेशन को फायदा होगा, इसीलिए स्कूल कॉलेज एजुकेशन सेक्टर में टैक्स कम है। तो ऐसा बिजनेस आपने सोचना है जिस पर टैक्स कम है। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक नए आइडिया से मार्केट में आए, और नया आइडिया ऐसा हो जो आपके करीब करीब तक भी किसी का आइडिया नहीं ना हो, तो जब ऐसा बिजनेस मार्केट में लेके आएंगे तो फिर आप कामयाब होंगे। और आपको पता है ना कि आइडिया किसी के बाप का नहीं, आइडिया किसी के बाप का नहीं।